तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। और गाइस, आज के वीडियो में कोई कट नहीं होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है काफी लंबा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि एल ड्रैगो की, किसी ने बोला था एल ड्रैगो की 20 बेब्लेड से बैटल कराओ, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 25, किसी ने 30। तो हमने सोचा कि मोस्ट लॉजिकल बनेगा 25 बेब्लेड से एल ड्रैगो का बैटल करेंगे। और ये अपना सबसे बेसिक वाला एल ड्रैगो है, जो है लाइटनिंग एल ड्रैगो। मुझे नहीं लगता इसमें से कितने बेब्लेड से जीत पाएगा, मगर गाइस देखने में मजा आएगा। तो मैं इस बैटल को स्टार्ट करने वाला हूं। 25 बेब्लेड है यहां पे, और गाइस मैं से स्टेडियम जाता हूं, बैटल स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले यह लाल वाला बटन दबा दो, क्योंकि वो भी ऐसे ही इस वीडियो की तरह अमेजिंग है। तो यस गाइस, ये हो गई सारी बात, आपने दबा दिया होगा, तो मैं फटाक से लाता हूं स्टेडियम। तो गाइस, अपना स्टेडियम सेटअप हो गया है, एक एक करके हम बैटल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाइट सीटस के साथ। तो मैं पहले वाइट सीटस को लॉन्च करता हूं गाइस, फिर एल ड्रैगो को। सो लेट इट रिप। अब एल ड्रैगो गाइस, लेट इट रिप। देखते हैं वाइट सीटस पे कैसे अटैक कर पाएगा एल ड्रैगो, क्या जीत पाएगा कि नहीं। और गाइस, काफ़ी डिसबैलेंस किया वाइट सीटस को, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वाइट सीटस काफ़ी हैवी है और लाइटनिंग एल ड्रैगो हल्का है काफ़ी। देखते हैं गाइस कौन जीतता है। देखते हैं गाइस, देखना मुझे यही है कि 25 में से कितने मैच एल ड्रैगो जीत सकता है। मुझे लग रहा है ये वाला मैच एल ड्रैगो शायद जीत जाए, बट कह नहीं सकते हैं गाइस। और अगर ड्रॉ हो गया तो गाइस हम लोग उसको ड्रॉ मान के आगे बढ़ जाएंगे, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा एल ड्रैगो को उसके लिए। और गाइस, पहला मैच हार गया एल ड्रैगो, कहते हो खराब लग रहा है, लेकिन एक बेब्लेड जीत चुका है। अब नेक्स्ट बेब्लेड गाइस, वो भी एक और सीटस है, और गाइस ये है ब्लू सीटस। तो चलो गाइस फिर से देखते हैं, पहले मैं सीटस को लॉन्च कर देता हूँ। तो लेट इट रिप। अब गाइस एल ड्रैगो की बारी है, लेट इट रिप। ओह हो। और गाइस ये वाला विन कंसीडर करेंगे, जैसे भी हो एल ड्रैगो ने गजब परफॉर्म किया, तो ये सीटस हो गया बाहर। तो गाइस पहला विन मिला है एल ड्रैगो को। और गाइस अब नेक्स्ट बे पे आते हैं, जो कि है अपना फैन फेवरेट रॉक लियोन। तो इसको हराना इतना आसान नहीं होगा, तो चलो गाइस मैं पहले रॉक लियोन को लॉन्च करता हूँ। सो लेट इट रिप। अच्छा पावर, लेट इट रिप। देखते हैं गाइस क्या करता है एल ड्रैगो, काफ़ी तेज घूम रहा है, और आप देख सकते हो क्या पावर है एल ड्रैगो की इस टाइम पे। लेकिन रॉक लियोन को हराना इतना आसान नहीं है गाइस, इतना आसान नहीं है। तो देखते हैं कि क्या एल ड्रैगो रॉक लियोन को हरा पाएगा या नहीं। मुझे आइडिया नहीं गाइस, आप बताना। मुझे नहीं लगता रॉक लियोन को हरा पाएगा यार, बाकी देखते हैं गाइस, क्योंकि बैटल काफ़ी एंड तक जाने वाला है। ओ माय गॉड गाइस, मैं तो इसको एल ड्रैगो का विन मानूंगा। तो गाइस एक और बेब्लेड को हरा दिया इसने, गजब, दो बेब्लेड को हरा चुका, मजा आ गया। अब नेक्स्ट बे गाइस हल्का नहीं होने वाला, वो होने वाला ट्विस्टेड टेम्पो। तो चलो गाइस देखते हैं ट्विस्टेड टेम्पो को हरा पाएगा कि नहीं। तो लेट इट रिप। अब गाइस एल ड्रैगो की बारी है, लेट इट रिप। ओहो गाइस, ट्विस्टेड टेम्पो जैसे भारी बे को काफी तगड़ा अटैक किया एल ड्रैगो ने, उम्मीद नहीं थी मुझे। देखते हैं गाइस कौन जीतता है इस बार, मुझे उम्मीद है यार एल ड्रैगो से काफ़ी, मगर देखते हैं गाइस, क्योंकि टेम्पो को हराना इतना आसान नहीं है। रॉक लियोन से जीत गया, बट गुरु टेम्पो से इतनी आसानी से नहीं जीत सकते हो। फिर भी गाइस पता तो आखिरी में ही चलेगा बैटल ख़त्म होने के बाद, तो तब तक देखते हैं क्या होता है, किसका होगा ये बैटल। और सैडली गाइस टेम्पो जीत गया, तो स्कोर हो गया है 2-2, दो विन एल ड्रैगो के, दो लॉसेस। अब नेक्स्ट बे भी काफ़ी हैवी होने वाला है गाइस, जो कि है अपना अर्थ ईगल, इससे भी जीतना आसान नहीं है। तो चलो गाइस फटाक से करते हैं, लेट इट रिप। अब गाइस एल ड्रैगो की बारी, लेट इट रिप। ओहो क्या अटैक यार एल ड्रैगो, ईगल जैसे बे पे ऐसे अटैक कर रहा है गाइस। अगर ये वॉल्स नहीं होती तो मुझे लगता है एल ड्रैगो के जीतने का चांस भी था, लेकिन कोई नहीं, रूल सेम है दोनों बेस के लिए गाइस। देखते हैं आखिरी तक क्या टिक पाएगा एल ड्रैगो, क्योंकि यार ईगल हम सब जानते हैं गजब का बे है। और गाइस रिजल्ट की घड़ियां आ रही हैं, देखते हैं कौन जीतता है। दो मैच जीत चुका है एल ड्रैगो, दो हार चुका है, देखते हैं ये वाला क्या होगा। और सैडली गाइस ये भी हार गया है, तो तीन लॉसेस हो चुके हैं एल ड्रैगो के, दो विन। नेक्स्ट बे भी काफ़ी हैवी होने वाला, जो कि होने वाला फैंटम हो रहा है, पता नहीं कैसे जीतेगा, बट चलो देखते हैं, जीत भी सकता है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। सो लेट इट रिप। अब एल ड्रैगो की बारी है गाइस, लेट इट रिप। ओहो गाइस, इतने हल्के से एल ड्रैगो ने क्या धुलाई की है फैंटम हो रहा है इनकी। मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर ये कार्डबोर्ड नहीं होता ना, तो यार ये लाइटनिंग एल ड्रैगो फैंटम हो रहा है इनकी छुट्टी कर सकता था। गजब यार गजब।
भाई इसके बाद अगर एल्डर को हार भी जाता है ना, मुझे कोई दुख नहीं है यार। इतना तगड़ा फाइट तो फैंटम ओरान को बहुत कम ही बेस दे पाते हैं। इतना छोटा, इतना हल्का, और पावर देखिए यार, पावर देखने लायक है भाई। कमाल एल्डर को झुकना नहीं है, झुकेगा नहीं साला, लेकिन झुक गया यार। तो गाइस एक और लॉस हो गया, 4 losses 2 wins। चलो नेक्स्ट बैटल देखते हैं। नेक्स्ट बैटल होगी इविल बिफॉल के साथ, तो देखते हैं क्या एल्ड्रैगो ये वाली जीत पाएगा या नहीं। सो लेट इट रिप। अब गाइस एल्ड्रैगो की बारी, लेट इट रिप। ओहो भाई ये क्या पावर खाया है, ये क्या है भाई एल्ड्रैगो यार, ये क्या हो गया यार, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो गाइस काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल रहा है आज, और पता नहीं, मुझे लगता है एल्ड्रैगो ये वाला बैटल जीत सकता है जहाँ तक। बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है। काफी क्लोज होने वाला है ये बैटल भी मेरे हिसाब से। कम ऑन एल्ड्रैगो, कम ऑन। थोड़ा थोड़ा स्पिन स्टील कर रहा है, और सैडली गाइस एक और लॉस हो गया। ये बहुत ही गलत बात है, 5 losses 2 wins बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगला भी होने वाला है गाइस बर्न फायरब्लेज। चलो देखते हैं बर्न फिनिक्स से आगे कैसा करेगा। काफी पावरफुल लॉन्च, अब एल्ड्रैगो की बारी है। कम ऑन एल्ड्रैगो। ओहो गाइस ये डिस्ट्रक्टिव पावर देख के मजा आ जाता है यार। फायरब्लेज जैसे बेक का यार ये हाल कर रहा है यार, क्या पावर है। ऐसे एल्ड्रैगो नहीं बोलते यार, है पावर, छोटा है लेकिन पावर भी, कोई कमी नहीं पावर में। और गजब भाई क्या जीता है। तो गाइस फाइनली एक विन मिल गया है, अभी 3 wins हो गए, 5 losses हो गए। अब अगला बैटल होगा स्टॉर्म पेगासस के साथ, देखते हैं कि क्या इसमें एल्ड्रैगो अपनी फिर से पावर दिखा पाएगा या नहीं। तो चलो गाइस मैं लॉन्च करते हैं, लेट इट रिप, लेट इट रिप। ओहो गाइस क्या पावर है, लॉन्चर तोड़ लॉन्च कर रहा हूं मैं आज, मजा आ गया। ओ हो 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 क्या बात है गाइस, एल्ड्रैगो कमान जीतना है भाई ये वाला, क्योंकि 5 losses हो चुके हैं, 3 wins है, तो स्कोर मजेदार नहीं है। एटलीस्ट 50% से ज्यादा मैच जीतने जरूरी है, कम से कम 25 में से 13 मैच तो यार जीतो, तब हुई ना बात एल्ड्रैगो वाली, ना ऐसे मजा नहीं आएगा। और गाइस ये विन भी एल्ड्रैगो को मिलेगा, स्टॉर्म पेगासस हार गया है, 4 wins 5 losses। अब नेक्स्ट बैटल करते हैं, देखते हैं ये वाला जीत पाएगा, 5 wins 5 losses हो पाएंगे कि नहीं। तो ये नाइटमेयर रैक्स, तो चलो गाइस पहले ना नाइटमेयर रैक्स को लॉन्च करता हूँ। अब बारी है एल्ड्रैगो की, और इधर भी काफी अच्छे अटैक्स, देखते हैं क्या नाइटमेयर रैक्स का बैलेंस खो पाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस ख़राब हो नहीं रहा इतनी आसानी से जैसे फायरब्लेज का हुआ था। खैर कोई नहीं, देखते हैं, एल्ड्रैगो भी इतनी आसानी से हार मानने वालों से नहीं गाइस। तो गाइस ये किसी का भी विन हो सकता है, लेकिन यार सच में यार ये गज़ब का बैटल लग रहा है यार। थोड़ा सा और हिला दो एल्ड्रैगो, थोड़ा सा गाइस इसको एल्ड्रैगो और झुका दे तो इसका गेम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एल्ड्रैगो का भी स्टैमिना ज़्यादा बचा नहीं है, और ये तो सीधा हो गया यार, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। और गाइस दुख के साथ कहना पड़ रहा है एक और लॉस एल्ड्रैगो का, 6 losses 4 wins, स्कोर अच्छा नहीं है। नेक्स्ट बैटल करते हैं गाइस साइक्लोन हरक्यूलियो के साथ, तो गाइस साइक्लोन हरक्यूलियो को मैं पहले लॉन्च करता हूँ। अब बात ही है एल्ड्रैगो की। ओहो ये है पावर पैक बैटल गाइस, ये क्या बात है गाइस, इसमें तो सच में पावर देखने को मिल रहा है। एल्ड्रैगो पे काफ़ी भयंकर हमला किया है हरक्यूलियो ने, लेकिन एल्ड्रैगो भी पीछे रहने वालों में से कहाँ है। चलो देखते हैं गाइस कौन टिकेगा इसमें एंड तक। और गाइस ये भी चला गया साइक्लोन हरक्यूलियो को, एक और लॉस हो गया एल्ड्रैगो का, और गाइस टोटल 7 losses 4 wins बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट बैटल होगा रॉक स्कॉर्पियो के साथ, देखते हैं क्या इधर जीत मिलेगी या नहीं। ओहो गाइस क्या पावर है, क्या अटैक है, ओहो क्या बैटल गाइस, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। ये यार बैटल यार काफ़ी चुम्बेश्वरी थी, मतलब इतने रॉक स्कॉर्पियो के अगेंस्ट ऐसे अटैक्स, मुझे नहीं लगा था यार, मुझे नहीं लगा था, गजब पावर है। देखते हैं क्या जीतने भर का हो पाएगा स्टैमिना एल्ड्रैगो के पास एंड तक, या स्कॉर्पियो जीत जाएगा। अरे यार
तो गाइस एक और लॉस हो गया एल ड्रैगो का, 8 losses 4 wins, स्कोर बहुत ही गंदा है। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट बैटल करते हैं स्पाइडल कैप्रिकॉन के साथ। तो पहले मैं कैप्रिकॉन को लॉन्च करता हूँ। अब एल ड्रैगो की बारी है। फिर भी गाइस 4 ऐसे बेस से जीता है जिसमें मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो अच्छा किया। कोई नहीं, देखते हैं ये वाला बैटल कैसा जाता है। ओहो गाइस नॉकआउट कर दिया, इतनी बड़ी वॉल्स के बावजूद स्पाइरल कैप्रिकॉन जैसे बे को नॉकआउट करना आसान नहीं है। तो इस तरीके से हो गई 5 wins 8 losses। नेक्स्ट बैटल करेंगे वेरियारिस के साथ, और मैं थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाना चाहता हूँ, तो मैं वेरियारिस को रखूँगा अटैक मोड में। तो चलो गाइस करते हैं एक वेरियारिस के साथ, सेटअप कर लेता हूँ बेस। ये गाइस गया वेरियारिस, अब एल ड्रैगो की बारी है। ओहो हो गाइस भारी पड़ गया वेरियारिस पे अटैक करना, इस बार एल ड्रैगो ही बार हो गया। खैर कोई नहीं, चलता है। तो गाइस एक और लॉस हो गया एल ड्रैगो का, टोटल 9 losses और 5 wins, स्कोर बहुत बुरा है। नेक्स्ट बैटल होगा अपने डियाब्लो नेमेसिस के साथ, तो मैं डियाब्लो को पहले लॉन्च कर देता हूँ। अब गाइस एल ड्रैगो की बारी, इधर ज़्यादा अटैक किया तो यहीं भी यहीं इसमें भी बाहर ही होंगे ये। ओ भाई बाहर जाते जाते बचा गाइस, देखते हैं कि क्या डियाब्लो का बैलेंस खराब होगा कि नहीं, क्योंकि अभी होते होते बचा गाइस। और स्पिन स्टील भी काफ़ी कर रहा है एल ड्रैगो, मुझे लगता है ये वाला बैटल जीत सकता है एल ड्रैगो। बाकी गाइस देखते हैं, कमॉन एल ड्रैगो, कमॉन 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 कमॉन। यस गाइस एक और मैच मिल गया गाइस एल ड्रैगो को, टोटल हो गए 6 wins और 9 losses। नेक्स्ट बैटल करेंगे वल्कन हारूशियस के साथ, तो देखते हैं ये जीत पाता है कि नहीं। तो ये गया हारूशियस, अब एल ड्रैगो की बारी है। ओहो और गाइस वल्कन हारूशियस को कर दिया स्टेडियम के बाहर। तो इस तरीके से एल ड्रैगो का एक और विन हो गया है, टोटल हो गए 7 wins और 9 losses। तो देखते हैं नेक्स्ट बैटल जीत पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट बैटल करते हैं हम लोग अपने स्टॉर्म एक्वेरियो के साथ, तो चलो गाइस देखते हैं क्या स्टॉर्म एक्वेरियो को हरा पाएगा या नहीं। स्कोर बुरा नहीं है, मैं बोलूँगा अच्छा भी नहीं है, एवरेज स्कोर है। और ये मैच देखने लायक होगा यार, स्टॉर्म एक्वेरियो वर्सेस एल ड्रैगो। ये तो एनिमे में भी शायद हुआ था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, शायद हुआ था, बट ये मैच गाइस देखने लायक है। वाओ देखते हैं गाइस एंड तक क्या एल ड्रैगो टिक पाएगा कि नहीं, टिकना तो चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं आशा कर रहा हूँ यार ये वाला बैटल एल ड्रैगो जीते, बट चांसेस कम लग रहे हैं जिस हिसाब से स्पीड है उसकी। कमॉन एल ड्रैगो, और गाइस मुझे ये देना पड़ेगा एक्वेरियो को। तो गाइस इस तरीके से हो गए हैं 7 wins और 10 losses, अब स्कोर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट बैटल करते हैं डार्क वुल्फ के साथ, देखते हैं क्या डार्क वुल्फ हरा पाएगा या नहीं। चलो गाइस करते हैं। ओहो काफ़ी पावर पैक अटैक गाइस, यार मुझे लगता है ये स्टेडियम भी कुछ कमाल है, तो यहाँ पर काफ़ी अटैक्स अच्छे हो रहे हैं और मुझे भी यार इसमें बैटल करने में मज़ा आ रहा है। बाकी आप बताना यार ये नया वाला स्टेडियम कैसा है, ज़्यादा अच्छा है पहले से, या क्या क्या सीन है, आपको क्या लग रहा है। वैसे और भी कुछ नया स्टेडियम ऐड करने की कोशिश करूँगा, कुछ नया और लाएंगे। ओहो गाइस ये भी काफ़ी क्लोज होगा, और मुझे नहीं पता यार ये क्या है, मैं इसको ड्रॉ मानूंगा तो मैं वुल्फ को हटा ही देता हूँ इधर से, ना ये जीत मानी जाएगी ना ये लॉस। नेक्स्ट बैटल करते हैं सजिटेरियो के साथ गाइस, तो सजिटेरियो को मैं लॉन्च करता हूँ। अब एल ड्रैगो की बारी गाइस। ओहो क्या अटैक है, छोटा लेकिन गाइस पावर में कोई कमी नहीं है। कमॉन कमॉन गाइस थोड़े से जीतता बचा था, अगर सजिटेरियो को थोड़ा और डिसबैलेंस करता तो गेम हो जाता। देखते हैं गाइस देखते हैं, और मैं ये विन दूंगा एल ड्रैगो को यार, क्योंकि हल्का सा घूमा तो ये वाला विन मिलेगा एल ड्रैगो को। 8 wins हो गए गाइस 10 losses, देखने के क्या कवर हो पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट बैटल थोड़ी सी हैवी होने वाली, जो कि होने वाली है हेल करबैक्स के अगेंस्ट, तो इधर ज़्यादा एल ड्रैगो ने अटैक किया तो नुकसान हो सकता है, तो देखते हैं गाइस। ओहो अटैक तो काफ़ी कर रहा है और धक्का देने में काफ़ी दिक्कत हो रही है एल ड्रैगो को गाइस, क्योंकि इतना भारी है करबैक्स पीछे नहीं हट रहा है। फिर भी देखते हैं क्या लाइटनिंग एल ड्रैगो हरा पाएगा करबैक्स को, ये होगी असली बात। क्योंकि यार
स्पिन स्टील अगर सही से कर लिया तो हरा भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते इस बारे में। तो देखते हैं गाइस किसका होगा ये वाला बैटल, किसी का भी हो सकता है वैसे। और गाइस अनफॉर्चुनेटली हल कर बैस जीत गया, तो टोटल 11 लॉसेस हो गए हैं, विंस अभी भी गाइस 8 ही हैं। चलो नेक्स्ट बैटल करते हैं जेमियोस के साथ, देखते हैं ये वाला जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, बट पता तो बैटल के बाद ही चलेगा यार। ओहो ओहो गाइस बाहर जाते जाते बचा जेमियोस, काफी सही परफॉर्म किया यार। यार देखो मैं तो ये बोलूँगा यार 8 भी जीत गया ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार बहुत हल्का और बहुत छोटा है लाइटनिंग एंड ड्रैगो, और जैसे से बेस से हमने बैटल कराई ना यार इसकी, मतलब कि वो हैवी बेस है काफ़ी ज़्यादा, उनसे मतलब जीतना फैंटम हो रहा है हेल करवैक्स इनसे कैसे जीत पाएगा, कोई चांस नहीं है। लेकिन ये वाला मैच तो जीत गया। तो गाइस 9 विंस हो गए एल ड्रैगो के और टोटल जो लॉसेस हैं वो 10, तो देखते हैं कि क्या अगला विन मिलेगा कि नहीं। अगला मैच राइस होगा ये क्या है, रॉक्सराफा के साथ। चलो गाइस देखते हैं जीत पाएगा कि नहीं, वैसे ये आसान नहीं होगा मैच मेरे हिसाब से, क्योंकि यार रॉक्सराफा पावरफुल है। लेकिन रॉक लियोन से पता नहीं कैसे ही जीत गया था, देखते हैं रॉक्सराफा जीत पाएगा कि नहीं। ओ हो मुझे लग रहा है रॉक जुराफा को हिलाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि रॉक जुराफा का टिप थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको इतनी आसानी से आप धक्का नहीं दे पक सकते। तो रॉक जुराफा एक्चुअली रॉक लियोन से भी जीत जाता है, तो कुछ कह नहीं सकते इधर पे। और मैं ये विन दे दूंगा एल ड्रैगो को, क्योंकि हल्का सा ज़्यादा घूमा। तो यस गाइस अभी एल ड्रैगो के हो गए हैं 10 विंस और 10 लॉसेस। एक मिनट मैं कुछ गलत गिनती कर गया क्या यार, सॉरी 11 लॉसेस हुए हैं, मैं गलत बोल रहा था अभी तक गाइस, 11 लॉसेस हुए 10 विंस हुए। अब अगर ये एक भी मैच जीतेगा तो हो जाएगा स्कोर 11 विंस और 11 लॉसेस का, वैसे एक मैंने ड्रॉ ही दे दिया था, कोई नहीं अब गलत स्कोरिंग हो जाती है जब इतने सारी चीजें होती हैं। तो गाइस 10 विंस 11 लॉसेस, अगला बैटल बुल के साथ। बड़ा कंफ्यूजिंग है यार बुल वुल्फ, कोई नहीं करते हैं। ओहो क्या अटैक है, कमान, बहुत सही उड़ा दो यार, उड़ा नहीं पाएगा यार, मगर अच्छा पावर दिया है, काफ़ी पावर पैक अटैक था। बुल की हालत ठीक नहीं फील हो रही मुझे, बुल ऐसे हिल रहा है जैसे। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली बुल जीत गया। तो अभी गाइस एल ड्रैगो के टोटल लॉसेस हो गए हैं 12 और विंस 10 ही हैं। तो अगर ये दोनों मैच एल ड्रैगो नहीं जीता तो फिर मतलब फेलियर मान के चलूंगा मैं ये बैटल पूरा, बट फिर भी यार 10 विंस यार छोटे से बे के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल बात नहीं है। चलो गाइस लिब्रा के साथ, ये गया लिब्रा, लिब्रा पे भी मेटल फेस वोल्ट है, तो मुझे नहीं पता एल ड्रैगो कैसे जीतेगा यार। देखो हिल नहीं रहा यार, मेटल फेस बोल्ड बहुत हैवी है यार, ये चीटिंग किया है मेरे साथ यार, ये एल्ड्रैगो के साथ चीटिंग हुआ है ये लिब्रा वाला, मतलब मैंने ही किया और कौन ही करेगा, बट मेरे पास फेस बोल्ड नहीं था दूसरा, तो क्या ही करना है। देखते हैं फिर भी अभी उम्मीद नहीं खोएंगे यार, स्पिन स्टील थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है एंड तक, लेकिन फिर भी लिब्रा जीत गया। और गाइस इसी तरह से होप की ये किरण ख़त्म हो गई है, तो 12 के वजह से अब 13 लॉसेस हो गए हैं, विन 10 ही हैं, तो चलो देखते हैं कि क्या 11वीं विन मिलेगी भी कि नहीं, उम्मीद कम है बट देखते हैं। रेस स्ट्राइक कर, अब बारी है एल ड्रैगो की गाइस, चांस तो अच्छा है गाइस क्योंकि अटैक भी अच्छे कर रहा है, बार बार रेस स्ट्राइकर को ऊपर भेज दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है रेस स्ट्राइकर का स्टेमिना ज़्यादा है, सो कुछ अलग करना पड़ेगा एल ड्रैगो को जीतना है तो। देखते हैं गाइस कैसा होता है ये वाला मैच, कोई भी जीत सकता है, काफ़ी क्लोज होने वाला है मुझे लगता है ये बैटल, और ये मुझे एल ड्रैगो को देना पड़ेगा गाइस। तो 11 विंस हुए एल ड्रैगो के टोटल और लॉसेस हुए 13, एक ड्रॉ, तो मतलब ठीक है इतना बुरा नहीं है गाइस, बट 12 विंस होते एटलीस्ट तो मैं बोल सकता था कि ये 100% सक्सेस है, बट फिर भी गाइस 11 विंस इतने छोटे से बे होने की वजह से गजब की बात है। तो एक लाइक एक शेयर और एक सब्सक्राइब बनता है इस लाइटनिंग एल ड्रैगो के लिए। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।